मूवी की कहानी में हमें चोल वंश की राजनीति और महल में होने वाले षड्यंत्र के बारे में दिखाया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लगभग 1000 साल पहले चोल साम्राज्य के राजा चोल के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी, जिनमें से बड़े बेटे का नाम आदित्य करिकलन था और छोटे बेटे का नाम अरुण बोची था। छोटे बेटे को लोग पोनियन सेल्वन भी कहते थे क्योंकि वह पोनी नदी में डूबने से बच गया था, तभी से उसका नाम पोनियन सेल्वन पड़ गया। और दूसरी तरफ राजा चोल तंजोर के महल में बीमार पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ राजा के बड़े बेटे आदित्य करिकलन नॉर्थ में पल्लवों से युद्ध कर रहे थे और राजा के छोटे बेटे अरुण बोची सिंगला में राजा महेंद्र से युद्ध लड़ने गए हुए होते हैं। लेकिन तभी आदित्य करिकलन को ये पता चलता है कि तंजोर महल में कोई साजिश रची जा रही है, इसलिए आदित्य करिकलन अपने मित्र वंथी एरेन को तंजोर भेजता है और उसे कहता है कि वहाँ जो भी पता चले वो मेरे पिता राजा चोल को बताए और उसके बाद मेरी बहन कुंतावल को बताए। और महल पहुँच के वंथी एरेन चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सामंत पर्वताराज को देखता है। पर्वताराज ने अपनी उम्र से कई चोल की कुंवर रानी नंदिनी से शादी कर ली होगी जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होती है। वहीं महल पहुंच के वंथी एरेन पर्वताराज और उनके मंत्रियों की बातें सुन लेता है। वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि राजा चोल तंजोर के सिंहासन पे अपने बड़े बेटे आदित्य करिकलन को बिठाना चाहते हैं, लेकिन उन सबके सामने पर्वताराज कहता है कि सिंहासन बंदी आदित्यन के बेटे मधुरतन को बैठना चाहिए क्योंकि इस सिंहासन का असली हकदार वही है। और वो सभी लोग मधुरतन को राजा बनाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं और ये सारी बातें वंथी एरेन ने सुन ली होती है। और वंथी एरेन जल्दी से जल्दी ये सारी बातें राजा चोल को बताना चाहता है, तभी उसे रास्ते में नंदिनी मिलती है। वह उसे अपनी अंगूठी देखकर तंजोर महल में मिलने के लिए कहती है और तभी वह महल के सेनापति को ये अंगूठी दिखाता है और कहता है कि ये अंगूठी उसे पर्वतेश्वर ने दी है ताकि वो उसे दिखा के राजा चोल से मिल सके। लेकिन तभी वंथी एरेन राजा चोल से मिलके उन्हें बताता है कि पर्वतेश्वर और उनके मंत्री मिलकर महल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और यह सब बातें आपको बताने के लिए मुझे आदित्य करिकलन ने ही भेजा है। लेकिन तभी सेनापति पर्वताराज को उसके ऊपर शक हो जाता है क्योंकि वह पर्वतेश्वर का छोटा भाई ही होता है और वो वंथी एरेन को अपने सैनिकों के साथ बंदी बनाकर रखने के लिए भेज देता है। लेकिन तभी वंथी एरेन उन सैनिकों के चुंगल से निकल के भाग जाता है और वो सीधे महल में जाके रानी नंदिनी से मिलता है। तभी वो रानी नंदिनी को बताता है कि मुझे आदित्य करिकलन ने संदेश भेजा है जिसे मुझे उनकी बहन कुंतावल तक पहुंचाना है। और रानी नंदिनी वंथी एरेन से कहती है कुंतावल जो भी तुम्हें इस संदेश का जवाब दे वो तुम्हें सबसे पहले मुझे आके बताओ। लेकिन तभी पर्वतेश्वर को पता चलता है कि उनका नाम लेके कोई राजा चोल से मिलने गया है, लेकिन वो कहता है कि मैंने किसी को नहीं भेजा और वो सेनापति को जल्दी से जल्दी उसे पकड़ने का आदेश देता है। लेकिन तभी नंदिनी पर्वतेश्वर के आने से पहले उसे महल से भगा दे और वो पर्वतेश्वर से कहती मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो मुझे कुंतावल का संदेश लाके दे सके जिससे हमें कुंतावल के प्लान के बारे में पता चल सके। तभी हमें पता चलता है कि नंदिनी अपने लवर वीर पांडियन की मौत का बदला लेने के लिए ही तंजोर आई थी और इसीलिए उसने पर्वतेश्वर से शादी की। तभी नंदिनी अपने साथी धर्मा से जाके अरुण मोची को मारने के लिए है और तभी वंथी एरेन राजकुमारी कुंतावली से मिलता है और कुंतावली को सारी बात बताता है। और तभी राजकुमारी कुंतावली वंथी एरेन से कहती है कि तुम सिमला जाओ और मेरे भाई अरुण मोची को कंट्रोल लेके आओ। और इसी टाइम उन्हें ये भी पता चलता है कि राजकुमारी और वंथी एरेन एक दूसरे को पसंद करते हो। राजकुमारी कुंतावली को राजनीति बहुत अच्छे समझते इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। और राजा चोल के बीमार होने के बाद राजकुमारी कुंतावली ही सब कुछ संभाल रही है और दूसरी तरफ मधुरतन की माँ उसे सिंहासन के लिए दावा छोड़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता ने ही अपनी खुशी से राजा चोल को किया था और तुम में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम इस सिंहासन को संभाल सको। लेकिन मधुरतन अपनी माँ की बात को नहीं मानता, उसे हर हाल में वो सिंहासन चाहिए होता है। और दूसरी तरफ नॉर्थ में आदित्य करिकलन द्वारा कई लड़ाई लड़ने के बाद उसके दादा उसे तंजोर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तंजोर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि तंजोर में नंदिनी रहती है। और तभी हमें पता चलता है कि बचपन में आदित्य करिकलन और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नंदिनी एक अनाथ थी और दूसरी तरफ आदित्य करिकलन एक राजकुमार था, इसलिए राजा चोल ने उन दोनों की शादी के लिए मना कर दिया। और तभी नंदिनी अचानक से कहीं गायब हो जाती, लेकिन आदित्य करिकलन उसे भुला नहीं पाता और आदित्य करिकलन बहुत सालों के बाद नंदिनी को देखता है। वह राजा पांडियन के साथ युद्ध लड़ रही होती क्योंकि नंदिनी राजा पांडियन से प्यार करती है और जब युद्ध में राजा पांडियन की हार हो जाती है तब वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आदित्य करिकलन उसे हर जगह ढूंढता है और उसे जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में मिलता है। लेकिन तभी नंदिनी उसके सामने हाथ जोड़ती है कि वह उसकी जान बख्श, लेकिन वह ऐसा नहीं करता और वह आदित्य करिकलन राजा पांडियन को उसी टाइम मार डालता है। और इन सब का बदला लेने के लिए नंदिनी ने पर्वतेश्वर से शादी की और तंजोर महल में आ जाती है, इसलिए आदित्य करिकलन तंजोर नहीं आना चाहते। और दूसरी तरफ अरुण मोची सिंगला में राजा महेंद्र को
जला देते हैं और युद्ध जीतने के बाद वह अपने बौद्ध गुरु से मिलने के लिए पहुंचते हैं और उनके गुरु से शिमला का राजा बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अरुण मोजी मना कर देता है और वह कहता है कि मैं सिर्फ तंजोर की सेवा करूंगा, मैं कहीं का राजा नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ राजकुमारी वृंदावली तंजोर आ जाती और महल में होने वाले षड्यंत्र के बारे में वह अपने पिता राजा को बताती है। दूसरी तरफ महल में परमेश्वर उनके मंत्री सभा कर रहे होते हैं जिसमें वह जल्दी से जल्दी मधुरथ को राजा बनाना चाहते हैं। इसके लिए नंदिनी उन्हें एक प्लान बताती है कि हमें किसी भी हाल में दोनों भाइयों को एक साथ तंजोर मिलना है, अगर हम अरुण मोजी को तंजोर बुला लेते हैं तो आदित्य करिकलम कभी तंजोर नहीं आएगा छोटे भाई की ओर से, इसलिए दोनों को अलग अलग मारने में हमें आसानी। और दूसरी तरफ पूर्णिमा नाम की एक बोट चलाने वाली लड़की वंकी एरन को लेकर शिमला आ जाए, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी पांडियन के कुछ गुंडों को लेकर शिमला आ जाता है और वो गुंडे शिमला में पोनियन सेल्वन को मारने के लिए आए होते हैं। और तभी वंदी एरन पोनियन सेल्वन से मिलता है और उन्हें सारी बातें बताता है जो उनके भाई ने और बहन ने कही। और तभी हमें दिखाया जाता है कि परमित मिश्र राजा चोल से मिलके अरुण मोजी को तंजोर आने के लिए कहता है। वह राजा चोल को कहता है कि हम एक शाही आदेश तैयार कर उन्हें तंजोर बुला सकते हैं और राजा चोल इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन कुंदावली को ये सही नहीं लग रहा होता है। तभी राजा, अगर एक बार मेरे दोनों बेटे यहाँ पर आ गए तो फिर मैं सबसे निपट लूंगा, लेकिन एक बार वंदी एरन और अरुण मोजी कहीं पर जा रहे होते हैं तभी राजा पांडियन के गुंडे उन पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें पूर्णिमा आके बचा लेती है। ये वही पूर्णिमा होती है जिसने अरुण को बचपन में पोनी नदी में डूबने से बचाया होता। तभी धर्मा राजा महेंद्र से मिलता है और वो राजा महेंद्र को बताता है कि एक सेना की छोटी सी टुकड़ी पोनियन सेल्वन को वापस तंजोर ले जा रही और वह रास्ते में बिल्कुल अकेला होगा, उसके साथ सिर्फ कुछ ही सैनिक होंगे और आप बस मुझे अपने कुछ आदमी दे दीजिए, मैं आपको पोनियन सेल्वन का सर लाके दूंगा। लेकिन तभी पूर्णिमा पोनियन सेल्वन से मिलती है, वह कहती है कि आपको वापस ले जाने के लिए तंजोर से एक छोटी सी सेना आई है और वह आपको बंदी बना के वापस ले जाना चाहती है। उनके पास शाही आदेश होता है जो आपके पिता राजा चोल ने लिखा है जिसपे आपके पिता राजा चोल की मुहर है, लेकिन पोनियन सेल्वन को ये परमेश्वर की कोई चाल लगती है, लेकिन फिर भी वह शाही आदेश नहीं ठुकरा सकता क्योंकि वह अपने पिता की कोई बात नहीं टालता होता है। तभी पोनियन सेल्वन वंदी एरन को अपने कपड़े पहना के वहाँ से चला जाता है एक नॉर्मल आदमी के कपड़े पहन के, ताकि सबको ये लगे कि पोनियन सेल्वन अभी शिमला में है, ताकि वह अपने दुश्मनों को चकमा दे सके। और तभी वंदी एरन को वह पोनियन सेल्वन समझ के वो गुंडे उस पे हमला करते हैं और वो गुंडे वंदी एरन को पकड़ के जहाज पे ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले धर्मा और उसके लोगों ने चोर से आई छोटी सी सेना के सारे लोगों को मार दिया होता है और जहाज पे कब्जा कर लिया होता है। तभी वो लोग वंदी एरन को बाद में जहाज के सबसे ऊपर लटका देते हैं और पोनियन सेल्वन जो पूर्णिमा के साथ वहाँ से आया होता है और वो वंदी एरन को देखता है जहाज के ऊपर लटकते हुए और वह उसे बचाने के लिए जहाज पे चला जाता है। और तभी पोनियन सेल्वन जहाज पे चढ़ के गुंडों से लड़ने लगता है और थोड़ी देर में वह वंदी एरन को पिछोड़ा लेता है और दोनों से साथ मिलके लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी समुद्र में एक तूफान आता है और जिसकी वजह से वो जहाज डूब जाता है और अरुण मोजी और वंदी एरन का कहीं पता नहीं चलता, इसलिए लोग उन्हें मरा हुआ समझ लेते हैं। और तभी उनके पिता राजा चोल तक ये खबर पहुँच कि अरुण मोजी की समुद्र में डूबने से मौत हो गई और यह सुन के उन्हें अटैक आ जाता है और यह खबर राजकुमारी कुंदावली तक भी पहुँचती है। और जैसे ही यह खबर आदित्य करिकलम के पास पहुँचती है वह गुस्से में सेना लेके नंदिनी को मारने के लिए आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि इस सब के पीछे नंदिनी का ही हाथ है। और इसी के साथ हमारी मूवी पोनियन सेल्वन के फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। लास्ट में हमें मूवी के सेकंड पार्ट की झलक दिखाई जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी समुद्र के अंदर पोनियन सेल्वन को ढूंढने के लिए जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।